शराब माफियाओं के टारगेट पर थे धनौजा गांव के हरिमोहन झा। शराब माफियाओं ने सहरघाट में प्लान बनाया हरिमोहन झा को रास्ते से हटाने के लिए। प्लान के तहत उसे फोन कर चौक पर बुलाया और मार दी गोली। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के धनौजा गांव के हरिमोहन झा की हत्या मामले का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में मोबाइल धारक जिसने फोन कर हरिमोहन झा को चौक पर बुलाया था उसको गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधी की पहचान सहरघाट थाना के रामनगर के बेचन यादव के पुत्र अर्जुन यादव के रूप में हुई है। अर्जुन यादव का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। उसके खिलाफ सहरघाट थाना में दो अन्य कांड दर्ज है। गिरफ्तार आरोपी ने पुलिस के पूछताछ में मुंह खोल दिया है। कहा है नामजद आरोपियों के साथ प्लान बनाकर हत्याकांड को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि इस हत्याकांड मामले में मृतक हरिमोहन झा के पुत्र के बयान के आधार पर धनौजा गांव के विक्रांत उर्फ बॉबी मिश्रा, हैप्पी मिश्रा, मिथुन गिरी, मनोज और एक अन्य मोबाइल धारक के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। वहीं FIR में 5 से 7 अज्ञात के खिलाफ भी FIR दर्ज है। देखिए अर्जुन यादव के गिरफ्तारी के बाद DSP निशिकांत भारती ने प्रेस वार्ता की है और गिरफ्तारी से लेकर के घटना तक की पूरी जानकारी दी है। सुनिए क्या कुछ बता रहे हैं बेनीपट्टी के DSP निशिकांत भारती। दिनांक 21/10/2024 को हरिमोहन झा जो धनौजा गांव के निवासी थे उनका हत्या कर दिया गया था। इसी क्रम में बेनीपट्टी थाना के सरकारी मोबाइल पे सूचना मिली कि हरिमोहन झा को गोली मार दिया गया है। तत्पश्चात वरीय पदाधिकारी को सूचना देते हुए प्रभारी जो थानाध्यक्ष थे कंदन बास की वो थाना से प्रस्थान किए और घटनास्थल पे पहुँचे। फिर उनको अस्पताल पहुँचाया गया। इसी क्रम में जब उनका मोबाइल के कॉल डिटेल्स को खंगाला गया तो फिर हम लोग टेक्निकल सेल की मदद से जो सस्पेक्ट था उनका फ़ोन नंबर्स और उनका एड्रेस निकाला गया। उसी क्रम में जिससे वो लास्ट टाइम बात कर रहे थे और जो उनको बाहर बुलाए थे उनकी गिरफ्तारी हम लोग किए हैं, जिसका नाम अर्जुन यादव, पिता बेचन यादव और ये सहरघाट थाना क्षेत्र का रहने वाला है। और जब बाद में इंट्रोगेशन किया गया तो इनके द्वारा बताया गया है कि टोटल ये लोग 5 आदमी थे और 7-8 अज्ञात आदमी थे। इन्होंने पहले प्लान बनाया इनको अपने रास्ते से हटाने के लिए, क्योंकि ये एक सामाजिक आदमी थे और ये लोग जो है सामने वाले शराब कारोबारी थे। इसी क्रम में हरिमोहन झा जो थे वो एक्साइज को भी और पुलिस को भी सूचना देते थे, जिससे कि इन लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही थी। इसी क्रम में ये और धनौजा गांव के ही हैं बॉबी मिश्रा और हैप्पी मिश्रा और मिथुन गिरी और मनोज यादव जो कि नेपाल का रहने वाला है बट यहाँ पे व्यापार करता है, और मुकेश यादव और 3-4 और अज्ञात लोग थे जिसका ये पुष्टि नहीं कर पाया कि ये लोग कौन थे। इन्होंने प्लान बनाया सहरघाट थाना क्षेत्र में कि ये हम लोगों के व्यवसाय में बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए इसको रास्ते से हटाना है। इसी क्रम में 21/10/2024 को इनकी गोली मार दी। सामाजिक स्तर से भी ये नहीं चाहते थे कि शराब बिके या शराब का कोई सेवन करे, जो कि अच्छी बात है। उसी क्रम में इनको जो है गोली, क्योंकि इसी से वो लास्ट में बात किए थे। अर्जुन शराब व्यापारी है, इस पर जो है 2 केस भी है सहरघाट थाना क्षेत्र का शराब का। इससे पहले भी जेल जा चुका है ये, इससे पहले भी जेल जा चुका है। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं, EMI पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।